चलिए हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम किसी भी तरीके से हीट प्रोवाइड करके या बाय इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम बोलेंगे द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन, अ कंपाउंड इज ब्रोकन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज वॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हुआ। यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक कंपाउंड था AB। ठीक है, इस कंपाउंड को हम किसी भी तरीके से ब्रेक करवाए A प्लस B के फॉर्म में तो हम बोलेंगे कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड था ABC और इस कंपाउंड को हमने ब्रेक करा दिया A प्लस B प्लस C के फॉर्म में तो ये भी एक टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा तो हम एक काम करते हैं, पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसमें देखिए फर्स्ट विन कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। अब यहाँ से क्या बोला है कि वेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, मतलब केवल कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रोवाइड करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। मीन्स जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये होता है गैसियस फॉर्म में। अब देखिए हम देख रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट प्रोवाइड किया हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया, मतलब एक सिंगल कंपाउंड एक से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हुआ, मीन्स ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि वेन फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट होता है FeSO4। ठीक है, इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट, और जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर ग्रीन होता है, पहले ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, बोल रहा है कि जब इसको हम स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड करते हैं, पहले सॉलिड फॉर्म में था, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, तो ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO2। ठीक है, ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड में,
ये भी एक सॉलिड फॉर्म होता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा है कि SO2 में ब्रेक होता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड SO3 में ब्रेक होता है, ठीक है। ये सब गैसियस फॉर्म में होंगे, ये गैसियस फॉर्म में। अब आगे देखिए क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड था जिसका नाम था फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, पहले ग्रीन कलर का होता है लेकिन जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। जो जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का हो जाता है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक सिंगल कंपाउंड एक से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं थर्ड, वेन लेट नाइट्रेट। अच्छा, लेट नाइट्रेट का हमने पीछे भी फॉर्मूला देखा था कि लेट नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेट नाइट्रेट, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके बाद बोला है कि इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब लेट नाइट्रेट को जब हम स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड करते हैं इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड। बोल रहा है कि ये लेड मोनोऑक्साइड मतलब PbO के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मींस NO2 गैस के फॉर्म में ब्रेक होता है एंड ऑक्सीजन मींस O2 गैस के फॉर्म में ब्रेक होता है और लेड ऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि लेड नाइट्रेट को हमने ब्रेक किया, लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया तो ये बना लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड में ब्रेक हुआ, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ और ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट एक सिंगल कंपाउंड है, जब इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये भी एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक स्टार पॉइंट, मैंने इसको पहले भी बताया था, क्या आप इसे डायरेक्टली रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा जो डिकम्पोजिशन में हमने इसके पहले देखा था वो थर्मल डिकम्पोजिशन था, ठीक है, लेकिन अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे किसी कंपाउंड को अगर ब्रेक कराना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब इसमें समझते हैं क्या चीज़ है। सम कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल के ऑक्साइड और क्लोराइड्स आर डिकम्पोजेस बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड है उसका ऑक्साइड और उसका क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में हो और हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराएं तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको जब ब्रेक करेंगे तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, मींस नॉर्मली आप वाटर की बात करिए, वाटर, ठीक है, वाटर जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, अब आगे देखिएगा, आगे दिया है इट डीकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, मींस अगर वाटर है, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन गैस भी, मींस वाटर जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह है, आप बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। पीछे जो हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे उसमें हम बैलेंस, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन, जिसका नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो उस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर कोई कंपाउंड है और वो एक से अधिक कंपाउंड में या सब्सटेंस में ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज देन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, AgCl था। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसका कलर पहले वाइट था। ठीक है, इसका कलर पहले वाइट था, बाद में क्या हुआ कि इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, मतलब लाइट पड़ी। जब लाइट पड़ी तो ये ब्रेक होता है सिल्वर के फॉर्म में और ये क्लोरीन के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जो अब इस सिल्वर पाउडर का कलर आता है वो आता है ग्रेइश वाइट। ग्रेइश वाइट कलर का ये पाउडर बन जाता है। ये बात समझ में आई। अब समझिएगा होता क्या है इस रिएक्शन के लिए। एक चीनी मिट्टी की प्लेट लेते हैं, ठीक है, उस प्लेट में हम सिल्वर क्लोराइड डाल देते हैं और उसको ले जाके सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ समय बाद वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जो प्लेट के ऊपर बचा हुआ प्रोडक्ट है, देखिए क्लोरीन गैस बनी तो वो गैसियस फॉर्म में तो ऊपर चली जाएगी, मतलब निकल जाएगी, बचा सिल्वर पाउडर, तो जो सिल्वर पाउडर होता है उसका कलर अब ग्रेइश वाइट हो जाता है। ठीक है, पहले उसी का कलर वाइट था लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो वो ग्रेइश वाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसी टाइप का एग्जांपल है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ये भी सॉलिड फॉर्म में पहले था, इसका कलर होता है पेल येलो। ठीक है, ये कलर होता है लेकिन जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो अब सिल्वर बचा उसका भी कलर होता है ग्रेइश वाइट। ये बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये सफिशियंट है, आप दो ही एग्जांपल इसमें याद रखिए, ये सफिशियंट है। अब ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या होता है बैलेंस करने के लिए। अगर इसमें बैलेंस करना चाहें तो सिंपल सा है, बैलेंस कर देते हैं, Ag एक बार, क्लोरीन दो, क्लोरीन वन, यहाँ टू लगा दीजिए तो यहाँ भी टू लगा दीजिए, इसकी बात करें तो यहाँ टू लगाइए तो यहाँ भी टू लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब समझिएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के अंदर होता क्या था कि हम किसी भी रिएक्शन को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट कराते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। और उस कंपाउंड का अगर ब्रेक होता है, अगर वो कंपाउंड ब्रेक होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब आगे देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड है जिसका कलर वाइट था, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ले गए तो सिल्वर पाउडर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पहले इसका कलर वाइट था बाद में ग्रेइश वाइट हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में ले जाते हैं तो यहाँ पे Br2 मतलब ब्रोमीन गैस ये बनती है, ब्रोमीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले सिल्वर ब्रोमाइड का कलर था पेल येलो, बाद में क्या होता था कि सिल्वर जो होता है उसका कलर हो जाता है ग्रेइश वाइट। ठीक है, तो ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ, अब इसमें वैसे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं और यहाँ पे हम अपना अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसमें कि पीछे वाले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी सभा समाप्त करते हैं। गुड बाय।